अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ठीक हैं। तो मैंने सोचा कि इसी सेम व्लॉग में कुछ दिल की बात कर दूँ। तो आजकल जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक वायरल वीडियो, एक वायरल क्लिप चल रहा है, वो बेसिकली नादिया खान के एक व्लॉग का क्लिप है जो कि नादिया खान अपने चैनल के लिए बनाती है। नाई चुप रहना, जो कि अपने चैनल के लिए बनाती हैं। आउट स्टाइल उनका चैनल है, आप सबको ही पता होगा, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। नायल, मैं बात कर रही हूँ और नायल मुझे बात करने नहीं देंगे। खैर एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको बुरा भला बोल रहे हैं और शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं उन्होंने उनको शेमलेस वुमेन कह दिया, जो कि बहुत ही गलत है। पब्लिकली, पब्लिकली क्या, आप प्राइवेटली भी किसी को शेमलेस वुमेन नहीं कह सकते। आप अपनी मदर या किसी और खातून को डिफेंड करने के चक्कर में, या अगर आप डिफेंड भी करना चाह रहे हैं तो आप कुछ एहतराम वाले वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को शेमलेस बोल के अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। तो बहुत सारे लोग शर्मिला फारूकी के फेवर में हैं, बहुत सारे लोग नादिया खान के फेवर में हैं। तो मेरा कहना ये है, फेवर की बात नहीं होती, जो सही है आपको उसके लिए बोलना चाहिए, या जो सही बात है आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने वो पूरा व्लॉग, वो 30 मिनट्स का व्लॉग है जिसमें 2 मिनट का जो क्लिप है वो नादिया खान जो उनसे पूछ रही हैं शर्मिला फारूकी की मदर से, वहाँ जाके देखो, मिस अनीसा, उनका अनीसा नाम है, तो उनसे जो पूछ रही हैं उनके कपड़ों के, उनके मेकअप के बारे में, तो वो सिर्फ 2 मिनट का क्लिप है और बाकी वीडियो जो है 30 मिनट्स की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटी से अंदर एंटर करते ही वो मस्ती वाला मजाक और सवाल जवाब और सारा कुछ वो सभी से कर रही थी। कॉमन सेंस की बात है, हम जब कहीं शादी में जाते हैं या अगर हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है या हम देख रहे हैं कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो हम उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। हमेशा मजाक जब किसी का उड़ाया जाता है ना, तो उस इंसान का एक्सप्रेशन जो होते हैं ना चेहरे के, वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल टाइप होते हैं कि आप सामने वाले को क्लिक कर जाता है कि ये इसके बारे में ना कुछ गलत सोच रहा है या इसका मजाक उड़ा रहा है या जो भी है। स्कूल टाइम में और ऑफिस टाइम में हमारे भी बड़े मजाक उड़े और हमें पता होता था कि हाँ, इसने हमारा मजाक उड़ाया। और जो वाकई एक जेन्युइन तरीके से, जिसके दिल में कोई बुराई हो ही ना, वो अगर आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहा है तो वो भी आपको पता चल जाता है। अब शर्मिला फारूकी की बात आ गई, तो उनको शायद लगता होगा कि उनकी अम्मा जो है या उनकी मदर जो है वो अच्छा मेकअप नहीं करती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पर लिटरली उनकी मदर ने इतने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था, उनका जो चोकर था, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, मैं फ़ैन क्या, मुझे बहुत पसंद है चोकर जो हम गले में पहनते हैं, नेकलेस जिसको आप कहते हैं, ज्वेलरी हो गई, मैं क्रेज़ी हूँ ज्वेलरी के मामले में। तो उन्होंने जो चोकर पहना हुआ था वो इतना खूबसूरत था, तो वो कोई भी सवाल कर सकता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि नादिया ने ना तो कोई ऑफेंसिव वर्ड यूज़ किया, ना तो कोई डिसरेस्पेक्टफुल कोई बात बोली, ना चेहरे पे हंसी थी, ना चेहरे पे एक मजाकिया हंसी थी, ना चेहरे पे एक एक्सप्रेशन थे जो मजाक उड़ाने वाले होते हैं। तो शर्मिला फारूकी को ऐसा क्या बुरा लग गया कि उन्होंने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लिया उसका, इतना उन्होंने पब्लिकली जो है उसको इतना ज़्यादा वायरल हो गई ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ना अजीब, वो कहते हैं ना, लड़ाकों वाला काम करते हैं, लड़ाई झगड़े करवाने वाला काम करते हैं। होता है ना, एक ख़ानदान में कोई एक ना एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसकी हॉबी होती है लड़ाई करवाने वाला। तो कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो एक छोटा सा क्लिप, उनको लगता है ना इससे हमें व्यूज़ मिल सकते हैं, तो वो छोटा सा क्लिप उठा के उसको नेगेटिव वे में करके और उसको वायरल कर देते हैं। तो हो सकता है वो उस तरह से वायरल हो गया हो और शर्मिला फारूकी को पूरा बैकग्राउंड ना पता हो, और अगर बैकग्राउंड पता भी है उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को इतना बड़ा कर दिया, तो मेरे ख्याल में बहुत गलत चीज़ है। और एक चीज़, हमारी आवाम बड़ी इमोशनल है, स्पेशली हमारी यहाँ की औरतें इतनी इमोशनल हैं कि वो बैकग्राउंड नहीं देखती हैं कि ये क्लिप जो है आया, ये कहाँ का क्लिप है, इसके पीछे की क्या कहानी है। बस एक ने शोशा छोड़ दिया तो सारे शुरू हो जाते हैं, एक औरत के पीछे लग जाते हैं कि नहीं, ये ही गलत है। और गर्मी शुरू हो गई है, मुझे पसीने आना शुरू हो गए। दूसरी चीज़ ये, हमारे यहाँ का एक माइंडसेट इतना बुरा है कि अगर एक को किसी ने गलत कह दिया, अगर फॉर एग्जांपल एक खातून ने दूसरी खातून को गलत कह दिया, तो पूरी एक खातूनों की पलटन जो है ना, एक को डिफेंड करने के चक्कर में दूसरी को इतना बुरा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। तो ये मतलब ये क्या माइंडसेट है कि आप एक को
डिफेंड करने के चक्कर में, औरत ही हैं आप, औरत होके एक औरत को डिफेंड करने के चक्कर में दूसरी औरत को बुरा कह रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि आप इतने बुरे बुरे कमेंट्स नादिया के खिलाफ के तीसरी शादी हो गई तो सबक नहीं सीखा, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो आप लोग ना अपनी ब्रॉटअप बता रहे होते हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते कि आप किसी को डिफेंड करने के चक्कर में। और मैं एक बात बताऊँ, शर्मिला फारूकी की मदर जो है उनका एक स्पेसिफिक जो है ना वो मेकअप का तरीका है। वो मुझे क्यों इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हम क्रीक क्लब बहुत जाते थे और क्रीक क्लब में जो हाइटी होती है वहाँ पे शर्मिला फारूकी की मदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिली है, बहुत बार मिली है। उनका जो मेकअप होता है वो स्पेसिफिकली सेम होता है, वो जो थिक काजल लगाती है। एक वक्त ऐसा था जब मैं ऑफिस गोइंग थी और टीनेज वाला वक्त था, तो मुझे ही बड़ा शौक था मोटा मोटा काजल लगाने का। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पसंद कि आपकी अम्मा की कोई तारीफ करे, या अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी अम्मा ने तो कपड़े अच्छे नहीं पहने, उनका तो क्या कहते हैं, उनका तो मेकअप का तरीका ही अच्छा नहीं है, अगर मेरी अम्मी, मुझे लगेगा कि मेरी अम्मी को ये चीज़ करनी नहीं आती, उनको मेकअप करना नहीं आता, तो मैं उनको समझाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि अम्मी ये चीज़ आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती, आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर लें, या ये वाला ऐसे कपड़े ये वाले ना पहने, या इसकी जगह आप दूसरे कपड़े पहन लें, बताएंगे ना। बस शर्मिला फारूकी पे आफरीन है कि वो नहीं बता सकती। अगर उनको लगता है कि उनकी माँ खूबसूरत नहीं है, अगर उनको लगता है कि उनकी वालदा अच्छे कपड़े नहीं पहनती, अगर उनको लगता है कि वो ज्वेलरी अच्छी नहीं पहन रही, तो यार आप बताओ ना उन्हें, अगर आपको नहीं पसंद। पर ऐसे कैसे कि अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो आप उसको छाल रहे हो कि उसने मेरी अम्मी की तारीफ़ क्यों करी। अगर, और पहली बात, नादिया खान ने जो अभी एक अपनी सफाई दी, वैसे सफाई की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नादिया खान ने कुछ गलत नहीं किया, जो कि मुझे लगता है, बाकी सबकी अपनी प्रोस्पेक्टिव होता है हर चीज़ को देखने का और सुनने का। क्योंकि मैंने वो 30 मिनट का व्लॉग देखा हुआ है, स्किप कर करके बहुत सारी जगहों पे देखा हुआ है, मैंने वो स्पेसिफिक क्लिप भी देखा है जिसमें वो उनकी तारीफ़ कर रही थी, माशाल्लाह भी बोल रही थी, आप कपड़े कहाँ से लेती हैं, आपको कब से शौक़ चढ़ा, कब से शौक़ पड़ा, और उसके बाद आपका मेकअप कौन करता है, आप खुद करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं शर्मिला करती है, शर्मिला ने सिखाया। तो नादिया खान ने शर्मिला की भी तारीफ़ करी, और चेहरे पर ना तो चेहरे पर कुछ था ही नहीं नादिया खान के, कि जिससे मुझे तो फील ही नहीं हुआ जब मैं व्लॉग देख रही थी। इवन दो मुझे तो मुझे खुद मजाक वाली फीलिंग नहीं आई उनका मेकअप देख के, क्योंकि मुझे पता है कि वो करती ही स्पेसिफिक उनका मेकअप का स्टाइल ही यही है। तो जिनको नहीं पता, तो अब जो उनको बुरा लग रहा है तो उनको इसीलिए बुरा लग रहा होगा कि भाई उनको लगता है कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनती, उनको लगता है कि वो हॉरिबल मेकअप करती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि उनका मेकअप तो इतना हॉरिबल था तो नादिया खान ने तारीफ़ कैसे कर दी। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि आप किसी के बारे में कैसे सोचते हैं, कि अगर किसी का मेकअप आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको हॉरिबल मेकअप बोल रहे हैं, ना कि आप सामने वाले को प्यार से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये वाला क्लिप नादिया के व्लॉग में देखा था, कि नादिया खान ने जब उनकी तारीफ़ करी तो वो ब्लश हो गई, वो खुश हो गई। तो हमारे साथ भी होता है जब हमारी कोई तारीफ़ करते हैं, हमें फ़ील होता है कि हम अच्छे नहीं लग रहे, पर जब सामने वाला हमारी तारीफ़ करता है तो हमें तो कभी फ़ील नहीं होता कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो खुश हो जाते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है। और तारीफ लेना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो बस मैंने सोचा कि आज का व्लॉग बना ही रही हूँ तो थोड़ी सी बात लंबी हो गई, क्योंकि मेरे दिल में ये बड़ी बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा कि इस बात के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आप किसी को जज कर लेते हैं, उस जगह पे भी नहीं होते आप, पर एटलीस्ट जब आप जो चीज़ देख रहे होते हैं आप आसानी से, आप आसानी से उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, हाँ उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे की इंटेंशन क्या होगी। आप, हम इतने तो नन्हे काके सोने नहीं हैं, हम पानी को मम्मम तो बोलते नहीं हैं कि हमें यही अंदाज़ा ना हो कि सामने वाले के कैसे एक्सप्रेशंस थे और वो किस तरह से किसके लिए क्या बात कर रहा था। मतलब कॉमन सेंस होती है इंसान के अंदर। और सबसे बुरी चीज़ ये कि आप किसी औरत को शेमलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि सब जानते हैं कौन क्या है, तो इसलिए आप कैसे किसी को शेमलेस कह सकते हैं। और उसके बाद आप, ठीक है आपको बुरा लगा वो एक अलग मैटर है, आपको क्या चीज़ देख के बुरा लगा नहीं पता, पर आप एटलीस्ट आराम से भी बंदा बात कर सकता है। अगर आपको स्टेटस डालना ही था टू गेन फुटेज और टू गेन पब्लिसिटी, तो आप कोई अच्छा वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, या कोई तमीज़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे इंस्टेड ऑफ शेमलेस वुमेन। तो नाइल मत हिलाओ। तो मैं ना इन सब जो चीज़ें जाती होती है ना वायरल चीज़ें, मैं बड़ी थॉट्स रखती हूँ, और हमेशा ना मुझे होता है
कि आप उस चीज़ का साथ दें और पहले उस चीज़ को देखें, उसका बैकग्राउंड जानें कि वो चीज़ हुई क्यों। वो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो दो स्टोरी होती है हमेशा, स्टोरी के दो रूप होते हैं। आप जिसने आपको जो चीज़ बता दी, मैं हमेशा कहती हूँ तीन लोग हैं, फॉर एग्जांपल तीन लोग हैं या दो लोग हैं, दो लोगों के बीच की बात है तो आपस में आपको शॉर्ट आउट करनी चाहिए, ना कि तीसरे को बीच में लाना चाहिए। जब तीसरा बीच में आता है तो आपकी कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमेशा कभी तीसरे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप नादिया खान और शर्मिला फारूकी के बीच की बात थी, पर शर्मिला फारूकी ने किसका सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो ये आ गई बीच की चीज़। बीच की चीज़ जब आ गई तो वो और तुल गई, उसमें और आग लग गई। तो जब बीच की चीज़ आ गई तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्रिएट होती है। एक किसी को कुछ बोलेगा, दूसरा किसी को कुछ जवाब देगा, तो वो चीज़ें और बढ़ती है। प्लस आखिरी चीज़ बस बोलूँगी कि ये कंप्लेन करने वाला तो सीधी समझ नहीं आया, किसी ने कुछ मार दिया हो, किसी ने कोई आपको फिजिकली नुकसान पहुंचा दिया हो, या किसी ने आपको वर्बली अब्यूज़ कर दिया हो, तो नादिया खान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना वर्बली अब्यूज़ किया, ना चेहरे पे कोई ऐसे शिकंज या कोई मजाक वाला कोई ऐसा एक्सप्रेशन थे नादिया खान के, ना तो नादिया खान ने कुछ उठा के मार दिया, ना तो नादिया खान ने शर्मिला फारूकी की फैमिली को कुछ बोला, ना तो नादिया खान ने शर्मिला फारूकी को कुछ बोला। तो जब कुछ था ही नहीं उस दो मिनट के क्लिप के अंदर, तो आप क्या कंप्लेन करेंगे, मतलब आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते। तो बस यही छोटी सी एक मेरी बात थी, मेरी थॉट थी जो मुझे क्लियर करनी थी, छोटी थी बड़ी, कि बस सिर्फ ये किसी एक को डिफेंड करने के चक्कर में किसी और को बुरा मत बोलें, किसी एक को डिफेंड करने के चक्कर में किसी और दूसरी औरत को डिसरिस्पेक्ट ना करें। बस यही था मेरा आज का मैसेज। मामा जी।